नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, बॉडी का फैट जो है वो बढ़ता जाता है तो बहुत बुरा लगने लगता है और समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं, लेकिन जब बॉडी का वेट लूज़ होने लगता है, एक्स्ट्रा फैट जो है वो कम होने लगता है, तो बॉडी की जो फिटनेस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने लगती है, अट्रैक्टिव लगने लगती है। तो अगर आप लोगों को भी चाहिए है एक गुड लुकिंग बॉडी, स्ट्रांग बॉडी, तो आप लोगों को भी जो वर्कआउट्स हैं उन पर फोकस करना होगा, तभी स्ट्रांग बॉडी जो है वो बन पाएगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ रेड कलर का जो बटन है सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए इस चैनल को, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम का है। आज का जो वीडियो है वो साइड फैट को रिड्यूस करने का है, तो 8 सिंपल ट्रिक्स जो है वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा, ताकि आप लोग ये साइड फैट जो है बॉडी का वो कम कर सकें। और साइड बॉडी फैट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा तो आप लोग बेली फैट भी रिड्यूस कर लेंगे और आप लोगों की जो बॉडी है वो लीन बॉडी जो है वो दिखने लग जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो वर्कआउट है वो 40 सेकंड का है और ये वर्कआउट का जो नाम है वो है प्लैंक। प्लैंक पोजीशन से आप लोगों की कोर जो है वो इंगेज रहती है, तो कोर अगर इंगेज रहेगी तो रेक्टस एब्डोमिन पर जो जमा हुआ फैट है, बेकार का जो फैट है वो रिड्यूस हो जाएगा और आप लोगों की जो बॉडी है वो लीन हो जाएगी, टोंड हो जाएगी। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर आप लोग साइड फैट कम करना चाहते हैं तो आप लोग अपनी रेक्टस एब्डोमिन को एंगेज कीजिए। अगर आप लोगों की रेक्टस एब्डोमिनल जो है अगर वो एंगेज रहेगी, तो जिसके हम लोग कोर मसल्स बोलते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का साइड फैट जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लैंक करना आप लोगों के लिए है, तो 40 सेकंड के लिए आप लोग प्लैंक कीजिए, उसके बाद में आप लोग रेस्ट कर लीजिए। 10 सेकंड का आप लोगों के पास रेस्ट मिलता है, तो आप लोग अपनी कमर की साइज़ को चेक कर लीजिए कि कितनी साइज़ है। ये पूरा वर्कआउट होने के बाद में दूसरा वर्कआउट हम लोग चलते हैं टी रोटेशन की ओर। प्लैंक पोजीशन ही आप लोगों को लेनी है, लेकिन आप लोगों को टी रोटेशन करना है और प्लैंक पोजीशन आप लोगों को हाई प्लैंक पोजीशन पर लेनी है और उसके बाद में आप लोगों को टी रोटेशन करना है। तो अगर आप लोग जैसे ही टी रोटेशन करेंगे तो एक टर्न जो है आप लोग अपनी कमर से लेंगे, तो अगर आप लोग अपनी कमर से एक टर्न लेते हैं तो आप लोगों का जो साइड फैट है वो रिड्यूस होगा, क्योंकि वो जो है वहाँ की मसल्स जो है वो काम करनी स्टार्ट कर देगी। और जब जैसे ही जो भी चीज़ों की आप लोग वर्कआउट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप लोग जो है वहाँ की मसल्स को टोन बनाना शुरू कर देते हैं। तो दूसरी वर्कआउट आप लोगों ने की है तो वो है साइड रोटेशन, उसके बाद में आप लोगों को मिल जाता है 10 सेकंड का रेस्ट और आप अपने बॉडी फैट को चेक कर सकते हैं, आप लोगों का बॉडी फैट जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरे वर्कआउट की ओर चलते हैं। तीसरा वर्कआउट है रिवर्स प्लैंक फुल ब्रिज। रिवर्स प्लैंक फुल ब्रिज जो है आप लोगों के पेल्विक पोर्शन पर ब्लड फ्लो को बहुत अधिक तेज करता है, या हम लोग कहें कि पेल्विक पोर्शन पर अगर ब्लड फ्लो तेज होगा तो आप लोगों का लोअर बैली रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, साथ ही आप लोगों के जो ग्लूट्स हैं वो स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएंगे और आप लोगों के जो रेक्टस एब्डोमिन है वो भी आप लोगों की इसमें इंगेज रहती है, क्योंकि पेल्विक पोर्शन पर अगर ब्लड फ्लो होने लग जाएगा तो आप लोगों की रेक्टस एब्डोमिन भी उससे लिंक्ड होती है, जो कि आप लोगों को स्ट्रांगनेस देती है और साथ ही एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करने में आप लोगों की हेल्प करेगी। तो इससे बेली फैट बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। तीन एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, चौथी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले 10 सेकंड का रेस्ट है, तो मज़े कीजिए क्योंकि आराम देना आप लोगों की बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर फोर्थ एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। ये भी 40 सेकंड की होगी और काउंटर आप लोगों की स्क्रीन पर चला हुआ है 40 सेकंड्स के लिए। इस एक्सरसाइज का नाम है साइड प्लैंक टू टॉय टच और वो भी एल यानी कि लेफ्ट साइड में। जैसा वीडियो स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि एक घुटना मुड़ा हुआ है और दूसरा पैर जो है जस्ट उस घुटने के ऊपर की ओर है और वो भी स्ट्रेट है। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, अपने सर के पीछे की ओर हाथ से जो है ले जाना है और उसके बाद में आप लोगों को हाथ जो है अपने पैर के टॉयज की ओर लेकर आना है ताकि आप लोग उसे टच कर सके। तो इसका नाम ही है साइड प्लैंक टू टॉय टच, ताकि आप लोग अपने अंगुलियों को टच कर सकें और अपनी कमर को आप लोग देख सकते हैं। और इस वर्कआउट को आप लोगों को 40 सेकंड के लिए करना है। 40 सेकंड करने के बाद आप लोगों को मिल जाएंगे रेस्ट 10 सेकंड का। 10 सेकंड के रेस्ट के बाद में आप लोग उसको राइट साइड की ओर करें। लेफ्ट साइड में आप लोगों ने कर लिया है, आप राइट साइड में करना है। तो बात कर रहा था मैं आप लोगों के कमर की साइज़ को कम करने के, यानी कि साइड बॉडी फैट को रिड्यूस करने का। तो साइड बॉडी फैट को रिड्यूस करने में ये एक्सरसाइज आप लोगों की बहुत अधिक हेल्प करेगी। अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोग देखें कि कमर जो है जब आप लोग टर्न लेते हैं, दोनों पैर और हाथ जो है आपस में जब मिलते हैं, तो आप लोग देखें कि वहाँ पर जो सलवटें हैं वो कैसे स्क्वीज होती हैं, कैसे जो है निचोड़ी जाती हैं
और आप लोगों की जो बॉडी फैट है, जो साइड का बॉडी फैट है, वो जल्दी ही आप लोगों का रिड्यूस हो सकता है। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोगों की मदद कर सकती है साइड बॉडी फैट को रिड्यूस करने में। साइड बॉडी फैट को रिड्यूस करने के बाद आप अपने जो मेजरमेंट मीटर है उसकी हेल्प ज़रूर लें, और उसके बाद में आप लोग अपने बॉडी फैट को चेक कर सकते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट वर्कआउट पर हम लोग चलते हैं, यानी कि आप लोगों का छठा वर्कआउट है, और इस छठे वर्कआउट में आप लोगों को करना है सुपरमैन पोज। सुपरमैन पोज को आप लोगों को 40 सेकंड्स के लिए करना है। इसको करना भी आप लोगों के लिए बहुत आसान है, तो जैसा वीडियो स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है उसका इस्तेमाल आप लोग कीजिए। इसमें आप लोगों को अल्टरनेटिव लेग्स और अल्टरनेटिव हैंड्स का इस्तेमाल करना है, साथ में एक दूसरे को उठाना है, और आप लोग जो है टेबल टॉप पोजिशन में रहेंगे इसमें। तो इसमें आप लोगों के जो ग्लूट्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे, वो भी इंगेज रहेंगे, तो वो भी टोंड बनेंगे, और साथ ही आप लोगों का साइड बैली फैट भी कम हो जाएगा। तो इससे आप लोगों को मिलेगा फिश शेप्ड फिगर, तो आप लोग जो है अट्रैक्टिव दिखेंगे, गुड लुकिंग दिखेंगे और ब्यूटीफुल दिखेंगे। तो अगर आप लोगों को भी चाहिए ब्यूटीफुल फिगर तो ये एक्सरसाइज करना ना भूलिए। सुबह सुबह ये 8 एक्सरसाइज करना आप लोग बिल्कुल भी मत छोड़िए। इसके बाद में आप लोगों को मिलता है बर्ड पोज लेफ्ट। बर्ड पोज लेफ्ट का मतलब है लेफ्ट हैंड है और राइट लेग है आप लोगों का। जस्ट एक दूसरे से जैसे कि चिड़िया उड़ती है वैसे ही आप लोगों को अपने अल्टरनेटिव हैंड्स और अल्टरनेटिव लेग्स को आपस में अप एंड डाउन करना है। तो इससे क्या होगा, एक उड़ान सी लगती है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, ग्लूट की एक्सरसाइज हो जाएगी साथ में। और आप लोग अगर आप बैली को देखना चाहें तो बैली भी अंदर अप एंड डाउन हो रही है, तो इससे आप लोगों का साइड फैट भी रिड्यूस होगा, बैक फैट भी रिड्यूस होगा और बैली फैट भी रिड्यूस होगा। तो ये आप लोगों की मदद कर सकती है बर्ड पोज लेफ्ट। सेम इसी तरह बर्ड पोज राइट आप लोगों को करनी है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को लेना है 10 सेकंड का रेस्ट और अपने फिगर को आप लोगों को अट्रैक्टिव बनाना है। तो डेफिनेटली आप लोगों को इन सभी एक्सरसाइज पर फोकस जरूर करना होगा। अब 40 सेकंड्स के लिए करते हैं राइट बर्ड पोज, यानी कि जस्ट राइट साइड की ओर आप लोगों का जो राइट हैंड है उसे आप लोगों को यूज़ करना है और लेफ्ट लेग्स को आप लोगों को यूज़ करना है। आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आए होंगे, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों को अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ के चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर करें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर, जहाँ आप लोग शेयर करना चाहें। तो अभी शेयर कर दीजिए आप लोग इस वीडियो को अपने सोशल नेटवर्किंग अकाउंट पर, और साथ ही इन सभी एक्सरसाइज को सुबह उठकर आप लोगों को करना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो और 8 सिंपल ट्रिक्स हैं जो आप लोगों के साइड फैट को रिड्यूस करने में आप लोगों की बहुत अधिक मदद करेंगे। तो योगा है, एक्सरसाइज है जो आप लोगों के फिगर को एक अलग ही लुक देती है, तो क्यों नहीं आप लोग सुबह उठकर करते हैं। और डेफिनेटली आप लोग इस स्किनी स्किन को 100% जो है रिमूव कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने डिटर्मिनेशन से और योगा करने से, एक्सरसाइज करने से, जिसमें एक्सरसाइज करने में आप लोग की अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज जो है वो हेल्प कर रही है। तो अपने फिगर को एक अलग लुक दीजिए, अलग कर्व दीजिए और टोन बनाइए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।